फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं लौकी की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो आइए लौकी के कोफ्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी को धोकर छील लेंगे और उसके बाद उसको कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद हम उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें 3 से 4 चम्मच बेसन लेंगे और बेसन के बाद उसमें 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मसल के जीरा डाल दें और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें और हरी धनिया काट कर डाल दें और फिर इन सबको हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, पूरा ऐसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम उसमें साइड में लो फ्लेम पर कढ़ाई रखेंगे और तेल डाल देंगे। और जब तेल गर्म हो जाए कढ़ाई में तो इसको छोटे छोटे पकौड़ी के जैसे निकाल लें इस तरह से, और इनको कम से कम हल्का ब्राउन होने तक तेल में पकाएं। और जब हमारी पकौड़ी निकल जाए तो हम ना कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे और उसके बाद हम उसमें जीरा और तेज पत्ता और काली मिर्च, लौंग, मतलब सारे जो गरम मसाले होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा डालें। और उसके बाद लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट बना लें और इसका पेस्ट भी डाल दें और इसको पेस्ट को कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएं। उसके बाद धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक भी डाल दें। इनको कम से कम 5 मिनट पकाने के बाद उसमें जो हमने पकौड़ी बनाई थी उनको डाल दें। पकौड़ी को 2-3 मिनट तक मसाले में मिक्स होने दें, फिर थोड़ा सा पानी डाल दें और पानी को 5 मिनट के लिए पकने दें। जब पानी पक जाए तो उसमें हरी धनिया डाल दें और हमारी लौकी के कोफ्ते की सब्जी तैयार है।